सो गाइस, इस वीडियो का क्वेश्चन है व्हाई वाटर ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप। सो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं स्फेरिकल क्यों होते हैं और कोई शेप में क्यों नहीं होते हैं। सो इसका सिंपल सा रीज़न है, वाटर ड्रॉप टेक अप द स्फेरिकल शेप ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर। यानी कि जो इंटर सरफेस होता है वाटर मॉलिक्यूल का, लिक्विड मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है मोर टूवर्ड्स द बल्क ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सो दैट्स वाई दे टेंड टू स्टिक टुगेदर। एंड स्फेरिकल जो शेप होती है वाटर की या ड्रॉप की, सबसे लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होगा वो भी कम होगा। ठीक है, एंड जिसकी वजह से इट कैन रेसिस्ट एनी ऑफ दी एक्सटर्नल फोर्स इन द एटमोसफेयर। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को वो आने नहीं देगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो वो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए, और दैट्स वाई, और द अदर रीज़न इज द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्फेस टेंसर। और जो कोहेसिव फोर्स होता है उन ड्रॉप्स के बीच में, उसी की वजह से सरफेस टेंशन होती है। तो इसी का रीज़न होता है गाइस, जो ड्रॉपिंग ड्रॉप्स होती है, ड्रॉपिंग ड्रॉप्स यानी कि वाटर ड्रॉप्स होते हैं, जब ड्रॉप करते हैं तो वो क्या होता है, उनके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स द बल्क ऑफ द लिक्विड या टूवर्ड्स द बल्क ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर इन स्फेरिकल शेप। और इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस, सो इट डू नॉट हैव लाइक अ मॉलिक्यूल अराउंड इट। यानी कि जब ग्राउंड सरफेस पे होता है गाइस, तो वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अराउंड ऐसे, जिसकी वजह से वो उन्हें बेसिकली स्फेरिकल शेप में मेंटेन करके रखे सके, क्योंकि वहाँ हमारा एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ वो स्फेरिकल शेप में नहीं रह पाते। ठीक है, लेकिन जब हम वो वाटर ड्रॉप होता है तो उस समय जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स को बीच में नहीं आने देते हैं, एंड जो इंटर सरफेस होता है मॉलिक्यूल का वो कहाँ अट्रैक्ट होता है, टूवर्ड्स द बल्क ऑफ द लिक्विड। दैट्स वाई दे आर इन स्फेरिकल शेप, बिकॉज स्फेरिकल में लीस्ट सरफेस एरिया होता है और जिसकी वजह से उसमें एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए वो आसानी से उसे रेसिस्ट कर लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स को। ठीक है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। I hope you understood my point. Thanks for watching. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Till then, bye-bye.